राहुल गांधी एक बार फिर जनता के बीच पहुंच गए हैं। वह इससे पहले भी भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं, तब भी हमारे देश के गद्दी नसीब नेता ने राहुल गांधी की जमकर खिल्ली उड़ाए थे। अब भी इसमें कोई कमी देखने को नहीं मिल रहा है। गद्दी नसीब नेताओं ने अब यह कहा है कि वह जनता का मनोरंजन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर लगातार अन्याय किया जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कहीं रोका जा रहा है तो कहीं हमले किए जा रहे हैं, और यह किसके इशारे पर किया जा रहा है, इस खबर को गोदी मीडिया दिखाने को तैयार नहीं। आज की गोदी मीडिया अपने साहब की भोपू से ज्यादा कुछ नजर नहीं आती, और यह ऐसी भी बात नहीं कि नागरिकों को समझ नहीं आ रहा हो। गद्दी नसीब नेताओं की कार्यप्रणाली को राहुल गांधी जनता तक पहुंचाकर सीधे संवाद कर रहे हैं, और यही वजह है कि मोदी सरकार की बेचैनी बढ़ गई है। राहुल गांधी आसाम के कॉलेज के विद्यार्थियों से संवाद साधने पहुंचे तो उन्हें कॉलेज के युवाओं से मिलने नहीं दिया गया, और वहीं जब बच्चे सड़क पर आ गए तब राहुल गांधी ने बच्चों को साफ तौर पर समझाए कि अपने सपनों को मरने न दे, अपने विवेक से सोचे और हर चीज को समझे। सुने राहुल गांधी ने युवाओं से संवाद साध कर क्या बताए। देखिए, मैं यहाँ आया, मैं आपसे गले मिलने आया, आपकी बात सुनने आया, आपके सपनों के बारे में सुनने आया। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने फोन उठाया, आपके चीफ मिनिस्टर को फोन लगाया, कहा राहुल गांधी को स्टूडेंट से नहीं मिलने देना है। हेमंतो जी ने यहां पे आपके जो लीडरशिप है, प्रिंसिपल्स हैं, उनको फोन लगाया, कहा राहुल गांधी असम के स्टूडेंट से, असम के छात्रों से, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट से नहीं मिल सकता है। और इसीलिए मैं यहां नहीं आ पाया। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। यह हो रहा है हिंदुस्तान में। आपको कहा जा रहा है कि आप सोचो मत, आप सपने मत देखो, जो आपको बताया जा रहा है ऊपर से उसको आप सुन लो। मैं आपसे यहां कहने को आया हूं, आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। अगर आपने सोचना बंद कर दिया, अगर आपने सपना देखना बंद कर दिया, तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, हिंदुस्तान नहीं बचेगा। क्योंकि हिंदुस्तान आपकी शक्ति पे चलता है। यह राहुल गांधी की बात नहीं है, राहुल गांधी इसमें जरूरी नहीं है, यह हिंदुस्तान के भविष्य, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स की बात है। यहां पे नॉर्थ ईस्ट में आपकी भाषा को दबाया जा रहा है, आपके इतिहास को दबाया जा रहा है, आपके कल्चर को दबाया जा रहा है, आपके एंसेस्टर्स ने जो आपको कहा उसको ये रद्द करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये नहीं होने दो, ये कभी नहीं होने दो। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, किसी स्टूडेंट को डरने की जरूरत नहीं है। आप इस देश के भविष्य हो। जो सपना आप देखना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, जो आप पहनना चाहते हो, वो आप करो, कोई आपको नहीं रोक सकता है। जिस तरह के कड़ाके की ठंड में भारत की जनता से राहुल गांधी जुड़ रहे हैं और भारत के हालात का ब्यौरा जनता तक पहुंचा रहे हैं, यह ठीक उसी तरह है जैसे जले हुए दीपक से बुझे हुए दीपक जलाना। और यकीन जानिए, जब लाखों नहीं करोड़ों जनता जाग जाएगी और सरकार से भारत में किए गए कामों का खर्चे का हिसाब मांगने लगेगी, तब सरकार के हाथ पैर फूलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि तमाम तरह के टैक्स जनता से वसूलने के बावजूद महंगाई महसासुर की तरह अपना मुंह बड़ा किए जा रही है। आलम यह है कि गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी चरम पर है, पर अब इस पर सवाल कोई नहीं करता क्योंकि अभी सब जय श्री राम बोलने में व्यस्त है। पर जब आग लगेगी तब आग किस किस के घर को जलाएगी, इस बात की जानकारी से लोग अभी अनभिज्ञ है। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द उसी खबर के साथ हाजिर होंगे।